Hello everyone, welcome to KBC classes. Dear students, are the problems on any special thing? Question is, the sum of the reciprocals of Rahman's ages in years is how many years we calculate? 3 years ago and 5 years from now is one measure. Dhyan dijiyega, 3 years ago and 5 years from now. ठीक है, अभी जो कुछ भी एज है इसके 3 years ago and 5 years from now, after 5 years and before 5 years, 3 years, इन दोनों एज के रेसिप्रोकल का सम कितना है? 1/2. ठीक है, हमें इसका परसेंटेज फाइंड करना. सबसे पहले इसका परसेंटेज हम देख लेंगे. लेट रहमान्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स. ठीक है, अब 3 years ago की बात कर रहे हैं और 5 years from now की बात कर रहे हैं. ओके, एज ऑफ रहमान और रहमान एज 3 years ago. ओके, रहमान एज 3 years ago इज व्हाट? 3 years ago की बात करें तो क्या होगा इसका एज? एक्स माइनस 3 years. ठीक है, और आफ्टर 5 years, राइट? तो रहमान एज फाइव ईयर्स आफ्टर, और यू विल राइट हियर 5 years फ्रॉम नाउ. ओके, यू विल गेट व्हाट? एक्स प्लस 5 years. ठीक है, अब क्या है? क्या कहा? द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रहमान्स एज इज 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ. इन दोनों एज के रेसिप्रोकल का सम, राइट? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1/x-3 प्लस 1/x+5 इज व्हाट? 1/3. ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन बन के तैयार है. इक्वेशन तैयार हो गया, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करेंगे? कैल्सियम लीजिए, उसको कैलकुलेट कीजिए. क्या होगा ये? एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5. नाउ इट इज व्हाट? एक्स प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 1/3. ठीक है, डिसिम्प्लाइज. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए. x प्लस एक्स 2x, 5 माइनस 3 2, 2x प्लस 2 इक्वल टू, यहां पे हमारा 1/3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. ठीक है, अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करना, जैसा वैसा ही रहेगा, बस इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 3 इंटू x प्लस 5, x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5. ठीक है, दिस इंप्लाइज 6x प्लस 6 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15. नाउ 6x माइनस 6 दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15. अब सबको एक साइड में रखते हैं. ठीक है, इसको भी इधर रख लेते. क्या मिलेगा हमें? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 प्लस 6. सॉरी, यहां प्लस है और ये माइनस, राइट? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6. ओके, दैट इज इक्वल टू 0. अब इसको फिर कैलकुलेट करते हैं. क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x इज व्हाट? माइनस 4x माइनस 4x माइनस 15 माइनस 6 दैट इज व्हाट? माइनस 21 इक्वल टू 0.
अब इसको आप कैलकुलेट करो, फिर से आप देखो प्रोडक्ट हमें माइनस चाहिए, माइनस 21x² चाहिए नहीं, और यहाँ ऐड करके माइनस 4x चाहिए, जब ये मल्टी प्रोडक्ट हमें माइनस में चाहिए, ऐड करके माइनस में चाहिए, मतलब है कि एक बड़ा एक छोटा होगा, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, एक प्लस और माइनस में आया मतलब ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। आप इसको यहाँ पे देखो आराम से कह सकते माइनस 7x प्लस 3x माइनस 4x मिलेगा, माइनस 21x स्क्वायर मिला, माइनस 21 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ x कॉमन लिया, x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन, x माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x माइनस 7 इनटू x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ आई गेट x minus 7 equal to 0 or x plus 3 equal to 0. Okay? If x minus 7 equal to 0, this implies x equal to 7. If x plus 3 equal to 0, this implies x equal to minus 3. X kya tha? X kya tha? Rahman's present age. Age cannot be negative. That's why the Rahman's present age is what? 7 years. Okay? Since age cannot be negated. Okay? Hence, Rahman's present age is what? 7. ठीक है, कहता हूँ, क्लियर। ये हमारा एक अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स देखा था इससे पहले, अभी हमने प्रॉब्लम्स ऑन एजेस देखा, अब आगे हम ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे, प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है, और फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को आप करते जाएंगे। हर टाइप का एक क्वेश्चन मैं करूंगा, रेस्ट क्वेश्चंस आपको करने हैं। जहां प्रॉब्लम होगी मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है।